हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ यादव मुकेश राज एंड आप देख रहे हैं एमजीडी जोन। सो गाइस, आज आप लोग को ब्लू एंड ग्रीन इफेक्ट एडिटिंग सिखाने वाला हूँ लाइटरूम एप्लीकेशंस की सहायता से और भी अपने स्मार्टफोन से। तो गाइस, मैं कोशिश करूँगा आप लोग को अच्छी तरह से बताने का, तो इस वीडियो के एंड तक बने रहे, ठीक है। अगर आप तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर दे ताकि हमारे एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचवाए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपना लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन करेंगे एंड नीचे देखिए प्लस का साइन है, इस पर क्लिक करके एक फ़ोटो ऐड कर लेंगे जिस फोटो को एडिटिंग करनी है। जिससे मैं एक फ़ोटो ले लेता हूँ, इस वाले फ़ोटो को, एंड यहाँ से ऐड कर दूँगा। ओके, हमारी फ़ोटो वन फोटो सक्सेसफुली इम्पोर्ट हो चुकी है। ऑल फोटोज पर जाएँगे तो यहाँ है हमारी फ़ोटो, इस पर क्लिक करेंगे तो एडिटिंग के लिए ऑप्शन आ चुके हैं। यहाँ से जाने के बाद ऑटो पे क्लिक करेंगे। ऑटो पे जैसे क्लिक करेंगे हमारी जो फ़ोटो की लाइटिंग है ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगी, एडजस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं। नेक्स्ट जाएंगे कलर पे। ओके, कलर पे जाने के बाद टेम्परेचर को -6 कर देते हैं एंड इसकी टिंट को थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं 6 के आसपास एंड सेचुरेशन को भी इंक्रीज कर देते हैं +15। ओके, देन जाएंगे मिक्स टूल पे ऊपर एंड यहाँ रेड कलर की ह्यू को +20 के आसपास ले जाएंगे, 19 रहने देते हैं एंड इसकी सेचुरेशन को -13 रहने देते हैं। ओके, एंड ल्यूमिनेंस को थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे +10 के आसपास एंड नेक्स्ट जाएंगे ऑरेंज कलर पे। तो गाइस, ये ऑरेंज कलर स्पेशल स्किन पे काम करता है, तो जब भी आप स्किन में लाइटिंग देना चाहेंगे तो इस कलर का यूज कीजिएगा। ओके, इसकी ह्यू को हम लोग -5 कर देंगे एंड सेचुरेशन को -13। ओके, एंड इसकी ल्यूमिनेंस को देखिए +31 कर देते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट जाएंगे येलो कलर पे, येलो कलर एंड इसकी जो ह्यू है उसको +40 के आसपास ले जाएंगे, 39। ओके, एंड इसकी सेचुरेशन को 70 के आसपास रहने देते हैं, 70। ओके, एंड इसकी जो ल्यूमिनेंस है उसको भी इंक्रीज कर देंगे 28 के आसपास। ओके, एंड नेक्स्ट जाएंगे ग्रीन कलर पे, इसकी ह्यू को 70 के आसपास ले जाते हैं, 71। ओके, एंड इसकी जो सेचुरेशन है उसको +100 कर देते हैं। ओके, एंड इसके ल्यूमिनेंस को भी इंक्रीज कर देंगे 35। ओके, देन जाएंगे ब्लू कलर पे। ब्लू कलर पे जाने के बाद इसकी ह्यू को -60 कर देंगे, -60। ओके, एंड यहाँ इसके सेचुरेशन को प्लस की ओर ले जाएंगे लगभग 80 के आसपास, 79। ओके, एंड ल्यूमिनेंस को डिक्रीज कर देंगे -23। ओके, एंड नेक्स्ट जाएंगे पर्पल कलर पे। यहाँ जाने के बाद इसकी ह्यू को +50 रख देते हैं एंड इसकी सेचुरेशन को भी इंक्रीज कर देते हैं 45 के आसपास, 45। ओके, फिर ऊपर डन कर देंगे एंड नेक्स्ट जाएंगे इफेक्ट पे। इफेक्ट पे यहाँ से इसकी टेक्सचर को इंक्रीज कर देंगे +10 के आसपास, 11, ठीक है। एंड क्लियरिटी को +26 के आसपास रखते हैं, 26। एंड डीएच को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे 7 के आसपास। ओके, एंड विग्नेट को -40 के आसपास ले जाते हैं, -40 एंड मिड पॉइंट को भी -40 एंड 41 के आसपास रखते हैं, 40। ओके, एंड यहाँ से फेदर को इंक्रीज करके 80 के आसपास ले जाएंगे, +80, ठीक है। फिर जाएंगे नेक्स्ट डिटेल पे। डिटेल पे जाने के बाद यहाँ से शार्पनिंग को इंक्रीज कर देंगे 30 के आसपास, 30। ओके, एंड
नेक्स्ट जाएंगे नॉइस रिडक्शन, नॉइस रिडक्शन को 6 के आसपास 7 रहने देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जाएंगे लेंस आइकन दिख रहा है वहाँ पे जाएंगे एंड यहाँ से रिमूव क्रोमेटिक एबरेशन को ऑफन कर देंगे। सो गाइस हमारी एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी है, पहले ये थी एंड बाद में एडिटिंग के बाद ऐसे ही हुई, ठीक है। तो गाइस अगर आप लोग को एडिटिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ यार लाइक कीजिएगा एंड कमेंट करके बताइएगा कि ये एडिटिंग आपको कैसी लगी। तो गाइस फोटो को सेव करने के लिए ऊपर शेयर वाले ऑप्शन पे जाएंगे एंड नीचे देखिए सेव टू डिवाइस, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी जो फ़ोटो है सेव होना स्टार्ट हो जाएगी। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।